मध्य प्रदेश में आज से नई शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के मोहन यादव आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मोहन यादव के साथ ही डिप्टी सीएम पद के लिए राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी आज शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। मोहन यादव ने दावा किया है कि वो शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की मध्यप्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को माननीय विक्रमादित्य के शासन काल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। सर, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहन यादव ने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर आगे अब देखेंगे क्या करते हैं। मोहन यादव के शपथ समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही कई राज्यों के सीएम भी आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।